हेलो, वेलकम बैक अनिको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर, इट मींस पीपल एज अ रिसोर्स पे। इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमने आपको दो वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और ये वीडियो हमारा इस टॉपिक का थर्ड वीडियो लेक्चर है और आज ये टॉपिक हम पूरी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पीपल एज अ रिसोर्स के नेक्स्ट टॉपिक पे, उसमें हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसमें सीजनल और डिस्गाइड पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल इनकम, ह्यूमन कैपिटल एंड पीपल एज अ रिसोर्स। तो चलिए हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बहुत सारे इसके जो भी टॉपिक है वो प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत इजी वे में समझने की अगर हम कोशिश करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सिंपल सा टर्म्स होता है, उसको समझने से पहले आपको वर्कफोर्स समझना पड़ेगा। वर्कफोर्स क्या होता है? तो अब वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो वर्कफोर्स जो होती है वो पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 15 to 59 के आसपास होती है। मतलब जो भी पॉपुलेशन हमारी 15 एज ग्रुप से लेकर 59 एज ग्रुप के बीच में होती है उसे हम वर्कफोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब इस वर्कफोर्स जो है, हमारा टोटल वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो है, जो आज इंडिया का आप कहेंगे इंडिया वर्कफोर्स पॉपुलेशन में नंबर वन भी है, चाइना से हम आगे, क्योंकि चाइना में हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो है बट उनकी जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन मैक्सिमम है, बट हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वही हमारी मेन पावर है। तो आज हमारा जो हमारा वर्कफोर्स है 15 to 59 एज ग्रुप, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पाया जाता है। लेकिन फिर भी हम डेवलपिंग के कैटेगरी में आते हैं, उसके कुछ रीजन है, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने बताया कि 15 to 59 एज ग्रुप के बीच में जो आते हैं वो हमारा वर्कफोर्स है। अब इस वर्कफोर्स में जो पीपल काम करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू वर्क, और उन्हें वो एलिजिबल भी हैं काम के, लेकिन वर्क उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। बहुत लोग सेंस नहीं समझ पाते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट का सेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट इट मीन्स इट इज सैड टू एग्जिस्ट वेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब जो वर्क के लिए तैयार है, जो करना चाह रहा है, वर्क करना चाह रहा है, एट द गोइंग टू वेजेस के लिए जाना चाहता है, कैन नॉट फाइंड द जॉब, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही, उस कंडीशन में वो पीपल क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। सपोज दैट अगर मैं एलिजिबल भी हूँ और काम करने के लिए तैयार भी हूँ और मुझे जॉब न मिले, उस कंडीशन में मैं अनएम्प्लॉयमेंट हो जाऊँगा। सिंपल सा थीम है इसका अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कई कैटेगरीज होती है इसकी, कई टाइप्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपको आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो मोस्टली फोकस किया गया है यहाँ पे, वो दो अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया, एक सीजनल, एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो इन दोनों को हम समझते हैं पहले, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अगर हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, कब, ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। मतलब जब कोई पीपल जो एबल नहीं होता है फाइंड द जॉब, मतलब जॉब उसे नहीं मिलती है, कब, साल के कुछ महीनों में, सम मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब साल के कुछ महीने में उसे वर्क नहीं मिल पाता है, बाकी टाइम वो वर्क में इंगेज रहता है। मतलब साल में बहुत सारे कुछ मंथ तक उसे काम मिलता है और कुछ मंथ उसे वर्क नहीं मिलता है, तो उस टाइप के नेचर के, उस नेचर का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि देखिए क्या है, पूरे साल में कुछ सीजन में तो आपको वर्क मिला, लेकिन कुछ सीजन में आपको वर्क नहीं मिला, तो उस कंडीशन में जिस टाइम आपको वर्क नहीं मिला है उस टाइम में आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में रखा भी जाता है। मैक्सिमम ये देखा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो फार्मर्स हैं उनके पास साल के कुछ महीने तो काम होते हैं लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक वो खाली होते हैं, उस टाइम में वो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जिसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडरग्राउंड रखते हैं। तो ये आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट था। और अगर सेकेंड टाइप्स पे हम डिस्कस करें, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है आपका, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कोई रटने वाली कोई विद्या नहीं यहाँ पे, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अपने टॉपिक में, ठीक है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, इन द केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, इसमें क्या है, पीपल लगता है एम्प्लॉयड है बट दे आर नॉट वर्किंग, लेकिन वो वर्किंग नहीं कर रहा है, बस दिख रहा है कि एम्प्लॉयड है, वर्किंग में है, बट वो वर्क नहीं कर रहा है टू देयर फुल्ली पोटेंशियल, अपने पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ वो वर्क नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिंदी में हम छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। और सपोज दैट ये भी आपको, ये भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो जनरली आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्टली देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ क्या होता है कि सपोज दैट जिस प्लाट के लिए एग्रीकल्चर करने के लिए 5 पीपल सफिशियंट हैं, वहाँ पे 8 पीपल इंगेज हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, 3 पीपल्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि वो लग रहे हैं कि 8 पीपल इंगेज हैं वहाँ पे, लेकिन अगर 3 पीपल को आप हटा भी देंगे वहाँ से तो वो प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो 3 पीपल क्या हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, ठीक है। और मोस्टली इंडिया में सबसे ज़्यादा यही एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पाई भी जाती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा भी होता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये जनरली अर्बन एरियाज में मोस्टली देखने को मिलता है, इट मीन्स जो यूथ एजुकेटेड है बट उसे जॉब नहीं मिल रही है या वर्क नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में वो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होता है। इसके अलावा भी कई टाइप्स होते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन उन सारी चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको बस अपने लिमिटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमने सीजनल बताया, डिस्गाइज्ड बताया, इसके अलावा एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बताया। और आप देखेंगे तो ये जनरली रूरल एरियाज में ही मोस्टली पाए जाते हैं अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और ये दोनों टाइप्स आपको मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलेंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर मेन वर्क है वो रूरल एरियाज का है, मेन एक्टिविटीज से होता है, तो इसलिए इस तरह के एम्प्लॉयमेंट मोस्टली रूरल एरियाज में ही फाइंड आउट होते हैं। तो ये तो थे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट, उसके टाइप्स पे हमने डिस्कस किया। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट समझना आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो नेशनल इनकम का। देखिए, एक नेशनल इनकम होता है, एक होता है आपका जीडीपी, ठीक है। हम दोनों आपको यहां पे क्लियर कर देंगे कि जीडीपी क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको जीडीपी ही समझाते हैं, जीडीपी समझ लेंगे फिर नेशनल इनकम को भी आप समझ लेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन्स सकल घरेलू उत्पाद इसे कहते हैं। यह होता है एक साल, एक वन फाइनेंशियल ईयर में, जो एक वित्तीय वर्ष होता है आपका अप्रैल टू मार्च, उसमें वन फाइनेंशियल ईयर में आपके डोमेस्टिक रीजन में टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जितना प्रोडक्शन हुआ है, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो उसी ही हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, वो हमारी जीडीपी को शो करता है, ठीक है। तो उसमें हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्कस करते हैं, तो ये हमारे जीडीपी को शो करता है। यहाँ बस कॉन्सेप्ट होता है डोमेस्टिक रीजन का। और जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम इज द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक चीज पे ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम एस्टिमेशन है किसका, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज,
ये भी समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसे कहते हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का वो लेबल जब वो कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया जाए, किसी अदर रिप्रोडक्शन एक्टिविटी से न गुजरे, तो उस कंडीशन को हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। जैसे सपोज दैट आपने वीट का प्रोडक्शन किया, अगर वीट को ही कोई कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है तो वहाँ पर वो फाइनल गुड्स हो जाएगा, अदरवाइज वो वीट फ्लोर मिल में चला जाता है, वहाँ फ्लोर में कन्वर्ट होता है, तो वो फ्लोर फिर अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो वो फ्लोर फाइनल गुड्स हो जाएगा आपका वहाँ पे। अदरवाइज फिर अगर वो फ्लोर बेकरी में चला जाता है और वहाँ से ब्रेड बन के निकलता है, और अगर वो ब्रेड डायरेक्ट कंज्यूम हो जाता है कंज्यूमर के द्वारा, तो वो वीट ना होकर फाइनल गुड्स आपका वो ब्रेड फाइनल गुड्स के कैटेगरी में आता है। तो इस तरह हम सिर्फ अपने नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही कैलकुलेशन करते हैं। तो नेशनल इनकम जो होता है, और दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंस ये भी है ध्यान देने बात कि नेशनल इनकम हम अपने जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं, हम उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है थ्रू आउट द ईयर, उनके ही प्रोडक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं, ना कि हम अपने डोमेस्टिक रीजन में जो भी प्रोडक्शन हो। एक्चुअली क्या है, डोमेस्टिक रीजन में हमारे इंडियंस भी हैं और कुछ फॉरेनर्स भी प्रोडक्शन करते हैं। तो हम जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसमें से फॉरेनर्स की जितनी भी प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज कर देते, उसको माइनस कर देते, और जो इंडियंस जो विदेशों में अराउंड द वर्ल्ड जो वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम को हम इंक्लूड कर लेते हैं। इस आधार पर हम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। तो नेशनल इनकम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू किया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं समझना है, ये क्लास नाइन्थ के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बस आपको इतना समझना है कि नेशनल इनकम क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री, एक कंट्री के द्वारा जो एक साल में इन अ गिवन टाइम पीरियड किसी एक दिए हुए एक साल के दौरान किसी कंट्री में जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसके कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा, उसे ही हम नेशनल इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमने नेशनल इनकम का थीम समझा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ ह्यूमन कैपिटल, जिस पूरे टॉपिक ही ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है, फिर भी एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा आपको लिखने के लिए एज अ नोट्स के रूप में। तो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या है, अगर यहाँ हम समझने की कोशिश करें तो ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ स्किल है। इट मीन्स देखिए क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल का मतलब जैसे मैं टीच कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास एजुकेशन का स्टॉक है, और कि कोई इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में होगा, कोई डॉक्टरी के प्रोफेशन में होगा, तो वो जो स्किल है जिसके आधार पे वो ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है, वो उसका स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज, और जो भी प्रोडक्टिव नॉलेज हैं जो ग्रो करती हैं जिससे ऑन होता है, ठीक है, एम्बॉडीज इन ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं, मतलब जो भी स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज जो ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है उसे ही हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। इट मीन्स मानव पूंजी के रूप में जानते हैं। और ये तो मानव पूंजी है, ये कब होगा, ह्यूमन कैपिटल कब बनता है, इसीलिए तो कहते हैं जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग का इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा टर्न हो जाता है किसमें, ह्यूमन कैपिटल में, क्योंकि वो प्रोडक्टिव रिसोर्स हो जाता है, तो इसलिए हम उसे ह्यूमन कैपिटल के रूप में जानते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें अपना, पीपल एज अ रिसोर्स, यही आपका पूरा चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, ऐसे पूरे टॉपिक में हमने इस पर डिस्कस किया है, फिर भी एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग, ये एक वे है रेफरिंग का टू अ कंट्रीज वर्क फोर्स। अभी हमने आपको वर्क फोर्स समझाया है, 15-59 एज ग्रुप को हम वर्क फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो कंट्री के जो भी वर्क फोर्स है या वर्किंग पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, टर्म्स ऑफ एस्टिमेटिंग स्किल एंड एबिलिटीज, जो उसकी स्किल और एबिलिटीज उसमें टर्म होती है, मतलब उसके अंदर इंक्लूड होती है, उसे ही हम, अब देखिए क्या है कि पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब कि जो लोगों के अंदर, जो हमारी कंट्री का वर्क फोर्स है उसमें जो स्किल और एबिलिटीज वर्क करने की जो इम्प्रूव होती है, उस जिसके आधार पे वो प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो उससे ही हम पीपल एज अ रिसोर्स के रूप में कहते हैं। मतलब
क्या क्या, अब वो पीपल क्या हो गया, उसके पास ह्यूमन कैपिटल हो गया और वो हमारे देश के लिए क्या हो गया, एज अ रिसोर्स हो गया। तो वो इसीलिए हम पीपल को एज अ रिसोर्स के रूप में इंक्लूड करते हैं यहाँ पे और देखते भी हैं, जो पीपल एजुकेटेड और ट्रेंड और गुड हेल्थ से रिलेटेड हो। तो इस तरह हमने इस टॉपिक को आपको समझाने की पूरी कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि बहुत ईजी वे में आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको इस टॉपिक में, आपके ये सेकेंड चैप्टर में, तो मुझसे जरूर कमेंट में पूछे। और ये सिर्फ सेकेंड चैप्टर नहीं, आपको किसी भी टॉपिक में, पूरे क्लास में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत छोटा सा वीडियो था। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।